भाई सरफराज अहमद को निकालने वाले सारे साजिशी वीरेन तकरीबन एक साथ बैठे हैं, और एक दो लोग जो पहले कभी क्रिकेट की बात करते थे उनको मोहम्मद रिजवान में अचानक दो साल पहले क्या, उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि भाईजान आपको सलाम नहीं करता था, आपके व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता था, मुल्क की टीम बनाता था, देखो इन सब बच्चों से उसने वर्ल्ड कप जीता था, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, हसन अली क्या हालत हो गई आज हसन अली की, 132 शर्मिंदा होगा वो भी अगर इंसान का पुत्र हुआ के सबसे पहला आदमी था जिससे बदतमीजी कराई थी एक फॉर्मर कैप्टन ने। हम तो भाई रहो बाबर बकरी बाबर गंडे भाई रहा मेरे गंडे के किंग मेरे गंडे के किंग भाई रहा देखिए अक्षर गंडे रहे भाई रहा तुझे दिल दिल पासम सुनाऊं इसको पकड़ के ये डंडा ना डंडा ये झंडा आपके अंदर दे दिया अफगानिस्तान ने ये झंडा आप पकड़ के आपके अंदर दे दिया और कुछ घंटे बकवास कर रहे थे कि हम तो जी 280 बड़ा छठ होटल है अंदर दे दिया आपके अंदर 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 हो गया भाई निकलो ना भाई निकलो मेरे घंटे के किंग मेरे घंटे के किंग और बाबर आजम पता चला बाबर के थे अपने थे मैंने बोला था बाबर के 74 अपने या नीम के नहीं है नीम के ये है जो इब्राहिम साहब रान रसूल बात नहीं है ये टीम के राम से भाई रहो मैं कह रहा हूँ भाई रहो एक एक करके भाई रहो मेरे घंटे के किंग भाई रहे जो बाबर को अपनी बिना आगे बैठो ना सुंदर किस्म का ये कप्तान है सुंदर किस्म का पकड़ के बजा दी है और मेरे घंटे के की मेरे घंटे के की उकात पता चल गई है उकात देख लीजिए अपनी उकात पता चल गई है अपनी या बताऊं बजा दिया शहीद अफरीदी नई बॉल का बॉलर पकड़ के शुरू कर दिया पकड़ के कर दिया आपके साथ आपको आपकी औकात पता चली है कह करते हो आप सिर्फ ये मैच क्यों हारे हो मेरे गड्ढे को कप्तानी नहीं आती मेरे गड्ढे को बैटिंग नहीं आती मेरा गड्ढा भी हार के अफगानिस्तान इज मच 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 बेटर देन पाकिस्तान लिटरली अफगानिस्तान की मैं तो फर्क ही नहीं पड़ता है हमारा काम है परफॉर्मेंस करना तो कर ना कहाँ परफॉर्मेंस कर रहा है मुझे बता दो एक मैच जहाँ पर इसने परफॉर्म करके पाकिस्तान को जितवा दिया हो यार हर मैच में जलील करवा दिया आज ये बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि अफगानिस्तान ने हमें मार दिया भाई अफगानिस्तान ने और ये छोटी हारनी है 8 विकेटों से आप सोच सकते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास बने फिरते हैं इनकी हाइप बनाई गई है भाई वर्ल्ड क्लास अभी घंटे के वर्ल्ड क्लास है कि अफगानिस्तान की जो 4 विकेट नहीं ले पाए ये 8 विकेटों से अफगानिस्तान की टीम ने इनको हरा दिया और आप देखें इब्राहिम जादरान 87 स्कोर फिर जो वो गुरबाज की बात करें 65 स्कोर उसके बाद जो वो रहमत की बात करें 84 बॉलों पे 77 स्कोर एक मुश्किल टाइम में जब गुरबाज भी आउट हो गया इब्राहिम भी आउट हो गया हमने सोचा यार अभी कम बैक करेंगे तो घंटा मेरा कम बैक कर लिया क्या उखाड़ लिया इन्होंने सिर्फ बकवास करवा लो बड़ी बड़ी बातें करवा लो सैलरी ज्यादा करने की डिमांड करवा लो कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करवा लो कंट्रोवर्सीज जो है घुसने की जो कर लो बिरयानी की तारीफें करने पे छोड़ दो सब करेंगे बिरयानी जो तोड़ तोड़ के खाएंगे और जहाँ पर परफॉर्म करने की बात आती है तो ये घटिया परफॉर्मेंस के ये देखने के लिए हम बैठे हुए थे कि भाई जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार के वर्ल्ड कप से बाहर होगा
कम अज कम यार जब अफगानिस्तान से जीत जाते, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से या साउथ अफ्रीका से हार जाते इतना दुख ना होता, लेकिन अफगानिस्तान से जो अभी तक जीत ही नहीं पाए थे इनसे, उनसे भी हार गए। आज नसीम शाह नहीं था, आज नसीम शाह नहीं था, इससे पहले भी ये बार बार जलील होते रहे, इन्हें नसीम शाह ने बचाया हुआ था, लेकिन आज नसीम शाह नहीं था। और आज ये देख लें कि इनकी जो मार मार के ठुकाई कर दी है, फेल के रख दिया इनको यार उन्होंने। यकीन माने ये सारे बेगैरत हैं, ये सारे के सारे बेगैरत हैं। बाहर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है ना, वो भी बेगैरत है, इनको लाने वाले बेगैरत हैं, इनको जो सिलेक्ट करने वाले सारे बेगैरत हैं, सारे अपनी दोस्ती यारी पाल रहे हैं। ये क्या जो आप गली मोहल्ले के लोंडे चले गए जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जो क्वालिटी स्पिनर है, कंप्लीट स्पिनर है अबरार अहमद, वो बाहर बैठा हुआ, और ये शादाब और उसामा रेलू कट्टे इनको बार बार खिलाए जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, नकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के इंडिया में बैठ के खाने खा रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी, कभी इसराइल के ऊपर बात कर रहे हैं, कभी फलस्तीन पे बात कर रहे हैं, कभी खानू पे बात कर रहे हैं, खाना नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, और जो काम करने के लिए गए हुए उल्लू के पट्टे, वो काम इनसे हो नहीं रहा है। वो कब जीतेंगे भाई, मुझे ये बता दे कोई कमेंट में कि कब जीतेंगे। मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताएं कि मैं गलत कह रहा हूँ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप जो वीडियो को लाइक करके जो आप सबूत दें इस चीज का कि वाकई मैं सही कह रहा हूँ। इनको शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और ये जो आपका कप्तान है ना भाई, कब तक इसके चक्कर में जो आप पूरी टीम को तबाह करेंगे, कब तक इस घंटे के चक्कर में यार, क्या इसका कंपैरिजन कोहली के साथ करने लगे हैं कुछ लोग, कुछ घटिया लोग, तो इसका ये मतलब है कि इसको पाकिस्तान का माई बाप बना दोगे। बैट्समैनों का डरपोक बैटिंग अप्रोच, बैटिंग ही नहीं की, नंबर वन नंबर टू पता नहीं कड़े बैट्समैन हमारे पास मौजूद है, जब खेलने की बात आती है तो हाथ उठा कर परे हो जाते हैं। ये बैटिंग हो रही है वर्ल्ड कप में, प्रॉपर बैटिंग जिसे कह रहे हैं। अफगानिस्तान ने रविंद्र जडेजा ने दी थी लेफ्ट आर्म, अगर एक लेफ्ट आर्मर तुम्हारा बीमार हो गया और वो अवेलेबल नहीं था तो तुम्हारे पास एक स्टपनी रखा हुआ था साउथ शकील की शक्ल के अंदर, आप उसको खिला लेते, आप उसको डाल देते, आप उसे दो तीन ओवर ट्राई करा लेते, क्या उखड़ जाता आपका। लेकिन नहीं भाई साहब, एक मेंटल लेस, और अगर हमने स्पिनर लगाया एक एंड से स्पिनर, एक एंड से हारिस रो, बेटा तू आंखें बंद करके रन देता रहे, अब प्रेशर बिल्टी नहीं करेंगे, दुनिया चिल्ला चिल्ला के पागल हो गई कि 30 ओवर स्पिन के मौजूद है भाई, कौन सी इतनी मजबूरी है कि पेसर को लगाया हुआ है, जब आखिर में बॉल रिवर्स होना शुरू हुई तो सब स्पिनर लाके लगा दिया। मतलब आप कोई कहीं कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं ना, मतलब लगता है डिले में चल रहा है। हमारे पास जैसे डिले में आता है ना, एक जगह एक सॉफ्टवेयर पर हम देखते हैं वहां डिले में क्रिकेट आती है, टीवी पे जरा तेज आ रही होती है, लगता है डिले में चल रहा है सब कुछ कि नहीं जी स्पिनर्स अब लगाने थे, उस वक्त लगाए नहीं, अब जब रिवर्स मिलना शुरू है फास्ट बॉलर को तो चलो जी फास्ट बॉलर हटा दो और स्पिनर्स लगा दो। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ प्लानिंग दैट वी हैव, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ द प्लानिंग, एंड इफ वी हैव एनी प्लानिंग सो हम कर क्या रहे हैं उस प्लानिंग। दोस्तों अफगानिस्तान ने एक अच्छे मैच के अंदर वर्ल्ड कप के पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हरा दिया। पाकिस्तान ने इसकी ऐसी कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि अफगानिस्तान हमें इतने बुरे तरीके से हराएगा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 282 रन 7 विकेट खोकर बनाए, परंतु अफगानिस्तान ने 286 रन बनाए वो भी सिर्फ 2 विकेट खोकर। पाकिस्तान को अपनी नंबर वन बॉलिंग पर बहुत घमंड था, वो सारा का सारा घमंड उन्होंने चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की टीम यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं, कुछ और ही हरकतें करने आई थी, क्रिकेट की वजह तो उनका ध्यान ही नहीं है। अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि जिनको वो कमज़ोर समझ रहे थे 2019 में, जो एक भी मैच नहीं जीत सकी थी टीम, आज वो टीम जो टीम दुनिया की नंबर वन बॉलर्स के साथ का वादा करती थी कि नंबर वन टीम है, वर्ल्ड कप हम जीत के जाएंगे, उस टीम को इतने बुरे तरीके से हराया कि उनके देश के लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो पा रही। वहाँ की मीडिया भी ये बातें लेकर बहुत परेशान हो गई कि यार ये अफगानिस्तान ने हमें हरा कैसे दिया, हम हार कैसे गए, इतनी शर्मनाक हार के ऊपर उनकी मीडिया किस्म से बुखला गई है, वो उल्टे सीधे तर्क वितर्क देने लगे हुए हैं, अपनी टीम को कोस रहे हैं, अपने कैप्टन को कोस रहे हैं, अपनी सिलेक्शन टीम को कोस रहे हैं, अपने पीसीबी बोर्ड को कोस रहे हैं कि इन्होंने कैसी टीम को भेज के हमारे देश का मजाक बनाया है। कुछ हद तक बात भी उनकी सही है, उनकी टीम किसी भी एंगल से खेल के काबिल लगती ही नहीं है, उनको तो ये छोड़कर कुछ और कर लेना चाहिए। जो उनका मोटिव है कि हमास के लिए उनकी सहानुभूति है या उनके लिए वो चाहते हैं कि हमें हमारा दिल उन लोगों के लिए धड़क रहा है, तो शायद उनकी जाने की हमें प्लानिंग होगी, तभी जल्दबाजी में मैच हार रहे हैं कि बोरिया बिस्तर गोल होए और हम लोग यहाँ से निकलें। तो देश के लोग उन पर उम्मीद लगा के बैठे थे, उन सभी का दिल उन्होंने तोड़ दिया है। तो देखते हैं दोस्तों अगले मैचों में क्या बनता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जीतता है कि तो ये वापस जाने की तैयारी करेगा यहाँ से।
मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार दोस्तों।